क्वेश्चन है, 1 kg प्राइज 10,000 रुपये है तो 30 ग्राम का दाम कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो 1 kg है उसकी प्राइस कितना है, 10,000 रुपये है, और यहाँ पर 30 ग्राम का कितना होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हम लोग इसको दो दो तरीके से करने वाले हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला तरीका जो हम लोग देखते हैं वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर नॉर्मल तरीका। तो देखिए यहाँ पर 1 kg क्या दिया गया है, 1 kg का हमें यहाँ पर प्राइस दिया गया है। कितना दिया गया है, 10,000 रुपये। कितना दिया गया है, 10,000 रुपये। हमसे पूछा किसका गया है, 30 ग्राम का पूछा जा रहा है कि कितना रुपए यहाँ पर होगा। तो देखिए यहाँ पर 1 kg में कितने, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1,000 ग्राम होते हैं। 1 kg में, यहाँ पर 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, तो यहाँ पर 1,000 ग्राम होते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम यहाँ एक टेबल यहाँ पर बनाएंगे और इस टेबल से हमारा क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से निकल जाएगा। क्या है ये टेबल, आइए देखते हैं। तो देखिए 1 kg 10,000 रुपये का मिल रहा है ना, 1 kg ना 10,000 रुपये का मिल रहा है, तो यहाँ पर केजी के बराबर तो 1,000 ग्राम होता है, तो हमें इसको यहाँ पर ग्राम में बदलना पड़ेगा। क्यों ग्राम में बदलना पड़ेगा, इसलिए बदलना पड़ेगा क्योंकि यहां पर 1 kg में 1,000 ग्राम होते हैं और यहां पर हमें ग्राम में ही हमारा क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर 1,000 ग्राम का 10,000 रुपये है तो यहां पर 100 ग्राम का कितना होगा। तो आप देखिए ये 3 0 था, 1 0 हटा दिया गया, पीछे से 1 0 हटा दिया गया, तो अगर इधर भी हम पीछे से 1 0 हटा देंगे तो ये कितने के हो जाएंगे, 1,000 रुपये के। फिर से हम दोनों तरफ क्या करते हैं, 0 0 हटाते हैं, तो यहां पर 10 ग्राम हो जाएंगे, यहां पर हो जाएंगे 100 रुपये। फिर से 0 0 हटाएंगे तो 1 ग्राम का हो जाएगा 10 रुपये। इस तरह से यहां पर हमारे पास एक टेबल बन चुका है जिसमें कि 1 ग्राम का 10 रुपये, 10 ग्राम का 100 रुपये, 100 ग्राम का 1,000, 1,000 ग्राम का 10,000 रुपये हुआ। अब देखिए यहाँ पर हमें 30 ग्राम का निकालना है, तो कौन सा वाला हमें हेल्प करेगा, यहाँ पर 10 ग्राम वाला हेल्प करेगा। तो इसका 3 गुना हमें करना पड़ेगा तब जा करके 30 ग्राम आएगा। तो इधर भी हमें 3 गुना करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो 100 रुपये का 3 गुना कितना होगा, 300 रुपये। ठीक है, तो यहां पर ये 300 रुपये हमारे आ गए, यही हमारा रिजल्ट होगा, यही हमारा 30 ग्राम का क्या होगा, मूल्य होगा, प्राइस होगा। अब यहां पर आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि यहां तो 0 0 है, हमने हटा दिया, लेकिन अगर अगर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इस तरह से अगर रहता है, क्वेश्चन नंबर 2 चलिए हम लोग ले लेते हैं, जिसमें कि ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं, एक नंबर है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में 1 kg का जो प्राइस है कितना ले ले हम लोग, चलिए हम लोग ले लेते हैं 5,832। हमने सारा अंक जानबूझ कर लिया है कि अगर अंक आ जाएगा तो हमें किस तरीके से अपना टेबल यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर टेबल आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर 1 kg है, क्या है, 1 kg। ठीक है, तो अब फिर से वैसे ही करेंगे इसको हम ऐसे। अच्छा यहाँ पर निकालना कितने का है, तो निकालना चलिए हमें 75 ग्राम का निकालना है, हम मान ले रहे हैं 75 ग्राम का हमें प्राइस चाहिए। ठीक है, अब यहां पर 1 kg है मतलब कि ये 1,000 ग्राम कितने के हो गए, 5,832 रुपये के हो गए। अब यहां पर अगर हमें 100 ग्राम का निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। यहां पर आपको क्या काम करना है, पीछे से एक अंक पर दशमलव लगाना है। क्या करना है,
पीछे से एक अंक पर, यहां पर पीछे से एक अंक पर दशमलव लगाना है, क्योंकि यहां से हम लोगों ने एक जीरो हटाया है, एक जीरो हटाया है तो एक अंक पर ही दशमलव यहां पर लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 10 ग्राम का दाम बताइए तो आप क्या बताएंगे, तो यहां पर देखिए इसमें दो जीरो हटाया गया तो ये क्या हो जाएगा, जैसे जैसे जीरो हटता जा रहा है ये दशमलव आगे की तरफ खिसकता आएगा, ये हो जाएगा 58.32 रुपए। अगर फिर भी आपसे कहा जाए कि बताइए 1 ग्राम का दाम, तो आप कहेंगे 5.832 रुपए। ठीक है, अब यहां पर समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ है। वास्तव में दोनों ही तरफ 10 से डिवाइड किया गया है, और यहां पर 10 से डिवाइड किया जाएगा तो जीरो से जीरो कट जाएगा, लेकिन इधर 10 से डिवाइड करने पर जो दशमलव पीछे छिपा रहता है वही एक अंक आगे खिसक आता है। तो यहां पर हम जीरो हटाते जाएंगे, यहां पर दशमलव आगे की तरफ खिसकता चला जाएगा। अब अगर आप इन सब को नहीं समझ रहे हैं तो यहां आप समझ लीजिए, ये है 1000 ग्राम का दाम 5,832 रुपए, 100 ग्राम का दाम कितना है, तो देखिए दशमलव के बाद उधर पैसे होता है और इधर रुपए होता है, तो दशमलव के बाद दो अंक तक होना चाहिए हालांकि, लेकिन नहीं है, तो हम यहां अपने से जीरो ले लेंगे, हम लिखेंगे 583 रुपए 20 पैसे। ठीक है, तो ये मैं क्या लिख रहा हूं, इसी चीज को जो यहां आया हुआ है वैल्यू, उसको मैं यहां पर साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर लिख रहा हूं, 583 रुपए 20 पैसे। अगर नीचे की बात की जाए तो यहां पर कितना है, 58.32, मतलब कि ये 58 रुपए हैं और 32 पैसे हैं। अगर नीचे की बात की जाए तो ये 5 रुपए हैं और 83 पैसे हैं। ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो अगर आपका जीरो है तब तो एकदम आसान, बहुत आसान है। ठीक है, अगर जीरो है तो, क्योंकि जीरो जीरो हटाना है, माइंड में फटाफट हटा के फटाफट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जीरो नहीं भी है तो भी आपका क्वेश्चन बहुत आसान तो नहीं, लेकिन आसान तो जरूर है। ठीक है, अब यहां पर आप हमें बताइए कि आपको 75 ग्राम का चाहिए तो कैसे निकलेगा। तो देखिए ये बहुत ही हेल्प करेगा, ये जो फिगर हमारे सामने बना हुआ है, तो देखिए 75 ग्राम है ना, तो 75 ग्राम में ये हवाला हम यूज करेंगे, 10 से भी चाहे तो 75 ग्राम बना सकते हैं। तो 75 ग्राम के लिए 50 ग्राम हमें जोड़ना होगा और 25 ग्राम हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर आप इससे भी चाहे तो 10 ग्राम से भी 75 बना सकते हैं, लेकिन हम ले रहे हैं यहां पर 100 ग्राम वाला। ठीक है, तो इसका आधा, देखिए 50 ग्राम है तो जब हम इसका आधा करेंगे तो यहां पर कितने आएंगे, तो देखिए यहां पर 50 ग्राम का कितना हो जाएगा, तो देखिए यहां 5 है ना, तो 2 दूनी 4, यहां 1 बचे 18 हो गए, 2 नवा 18, यहां पर कुछ नहीं बचे 3 है, 2 1 2, यहां 1 बचे ये 12 हो गए, यहां बीच में दशमलव है तो दशमलव लगाने के बाद यहां 1 था तो ये 12 हो चुका था, तो बीच में दशमलव आया तो मैंने लिखने के बाद 2 6 12 और 0। तो देखिए यहां पर आप 50 ग्राम के आ रहे हैं 291 रुपए 60 पैसे। अगर हम 25 ग्राम का निकालेंगे तो इसका भी आधा करना पड़ेगा, 2 1 2 9 है तो 4 बार में जाएगा, 2 4 8, 1 इसमें बच गया है क्योंकि 8 ही आया, तो 1 इसका लेकर और 1 1 यहां पे 1 लिखा हुआ है और 1 11 हो गए, 2 5 10, अब फिर भी यहां 1 बच रहे हैं तो ये इसमें जाएंगे लेकिन दशमलव है तो लगाना पड़ेगा, 2 8 16 और 0। ठीक है, अब यहां पर देखिए तो ये चीज हम माइंड में अपना कैलकुलेशन बैठा सकते हैं और इसके बाद इसी की सहायता लेकर हम अपना जो भी हमें वैल्यू फाइंड करना रहेगा उसकी वैल्यू हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखिए 60 पैसा और 80 पैसा 140 पैसा, तो इसमें से देखिए 0 0 0, यहां 140 पैसा हो रहा था तो 40 है यहां पर रह जाएगा, 1 रुपये इसमें चला जाएगा, तो 1 और 1 2 और 5 7, यहां पर 9 और 4 13, और 2 1 3 और 1 हासिल 4, यहां पर आ चुके हैं फाइनल वैल्यू 437 रुपये 40 पैसे। ठीक है, तो इस तरह से
हम माइंड कैलकुलेशन कर सकते हैं, दिमाग में इसकी कैलकुलेशन हम चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कैलकुलेटर ट्रिक की, कि इसका अगर हम कैलकुलेटर ट्रिक अगर हम बनाएं तो इसकी कैलकुलेटर ट्रिक क्या होगी और कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा। होगा फ्रेंड्स, समझिए यहाँ पर, अगर देखिए इस पैटर्न का आपका क्वेश्चन है जिसमें कि आपको केजी का प्राइस दिया गया है और यहाँ पर आपको ग्राम की प्राइस पूछी जा रही है, तो इसके लिए हम यही कैलकुलेटर ट्रिक अपनाएंगे। क्या कैलकुलेटर ट्रिक अपनाएंगे इसको समझिए। यहाँ सबसे पहले जो केजी का भाव है, केजी का जो भी भाव के जो रुपए हैं, वो भाव के रुपए हम यहाँ सबसे पहले एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम डिवाइड लगाएंगे और डिवाइड लगाकर यहाँ पर 1000 एंटर करेंगे। क्या एंटर करेंगे? 1000। अब ये 1000 कहाँ से आया है? हर क्वेश्चन में आपको यही करना है कि नहीं करना है, ये क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा। तो आपको बता दें कि ये 1000 क्या है। ये 1000 यही है, 1000 एक केजी में जो होते हैं वही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्टार लगा दे रहे हैं, यहाँ पर भी, कि समझ लीजिए कि यही 1000 यहाँ पर रखना है, हर बार यही रखना है। केजी का भाव एंटर करने के बाद भाग का चिन्ह लगाएंगे, 1000 एंटर करेंगे, गुणा लगाकर यहाँ पर जितने भी ग्राम्स का चाहिए आपको, जैसे ही एंटर करेंगे फटाफट आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग कैलकुलेटर एंट्री करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए हम यहाँ करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए हम यहाँ करेंगे, देखते हैं आंसर मैच करता है या नहीं करता है। तो देखिए, केजी का भाव पहले क्वेश्चन के लिए 10000 रुपए है, तो यहाँ हमने 10000 एंटर कर लिया। इसके बाद यहाँ पर 10000 एंटर हो गए, डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे, 1000 एंटर करेंगे, तो डिवाइड का चिन्ह लगा के 1000 एंटर कर दिया गया। इसके बाद यहाँ गुणा लगाएंगे, अब हमें यहाँ पर 30 ग्राम का दाम चाहिए था, तो हम 30 जैसे ही एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों कितना आ रहा है। यहाँ पर जो हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है 300 आ रहा है, जो कि क्या होंगे? 300 रुपए होंगे। क्या होंगे? रुपए होंगे। ये हमारा आंसर होगा। सेकंड, अगर कैलकुलेटर ट्रिक अगर हम लोग यहाँ पर करें, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो भाव था केजी का 5832 हम एंटर करेंगे, डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे, 1000 एंटर करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाकर हमें कितने ग्राम का चाहिए था? हमें चाहिए था 75 ग्राम का। अब 75 ग्राम का चाहिए था, तो यहाँ पर हम 75 जैसे ही एंटर करेंगे, तो देखिए 5832 भागा का चिन्ह लगा करके 1000। ये 1000 हर क्वेश्चन में लगाना है, और ये क्या है, ये बताया जा चुका है कि ये एक केजी में जो 1000 ग्राम होते हैं वो है। इसके बाद हम यहाँ इनटू लगाएंगे, अब हमें 75 ग्राम का चाहिए, तो हम यहाँ 75 जैसे ही एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 437.4। तो देखिए कैलकुलेटर, देखिए हम लोगों का कितना आया था, हम लोगों का यहाँ पर आया था 437.40, जो कि यहाँ पर कैलकुलेटर में दशमलव के बाद सबसे पीछे वाले जीरो को शो नहीं करता है। तो यहाँ पर आप समझ के चलिए कि यहाँ पर ये जीरो है, ठीक है, और ये कितने हैं? 437 रुपए हैं 40 पैसे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि समझ में आया होगा। अगर आपके भी मन में ऐसे क्वेश्चंस हो तो आप क्वेश्चन कमेंट में लिख सकते हैं, आपकी वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।